क्लॉट्स शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन। सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी, फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। क्लॉट्स शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए क्लॉट्स शूज एंड बैग्स। मुंब्रा पुलिस ने दो आरोपी को किया गिरफ्तार। इनके पास से 16,06,000 कीमती मोफेड्रिन एमडी बरामद। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। आपको बता दें, एक तरफ जहां मुंब्रा में नशे के खिलाफ मुंब्रा पुलिस अब अहम मुद्दा बना ली है, एक स्क्वाड तैयार किया है, नशे के सौदागरों को पकड़ने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। पिछले दिनों मुंब्रा पुलिस ने मोहम्मद आरिफ, जो अमृत नगर का रहने वाला है, और दूसरा चंचल निचोरिया सम्राट नगर का रहने वाला है, ये दोनों को मुंब्रा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिसके बाद पूछताछ में दो और लोगों का नाम सामने आया। एक का नाम गोडविन इमानुएल इफेंजी है, जो नाइजीरियन है और सेक्टर 3 नवी मुंबई में रहता है, और दूसरा नदीम महबूब खान उर्फ 14, ये दरगाह रोड से गिरफ्तार किया गया है। ये दरगाह रोड पे यानी समीप में रहता है। इसके पास से मोफेड्रिन एमडी क्रिस्टल स्टोन मिला है और 7 मोबाइल जिसकी कीमत 16,06,000 बताई जा रही है। थाने पुलिस कमिश्नर जयजीत सिंह के आदेश पर मुंब्रा पुलिस निरीक्षक चौरे के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक सेवाले हर्षद काले व उनकी टीम ने जाल बिछाकर इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये तस्वीर है, देखें 4 आरोपी जिनमें एक नाइजीरियन है। पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी, खड़ी मशीन रोड साहिल होटल के पीछे मोफेड्रिन एमडी बेचने वाला है, आने वाला है, जिसकी जानकारी पुलिस निरीक्षक सेवाले को दी। और उसके बाद PSI हर्षद काले व NDPS की टीम बांगर, राजपूत, खैरनार, जाधव, ये लोग जाल बिछाकर पकड़ लिया। गिरफ्तार हुए आरोपियों को 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया है, यानी पुलिस कस्टडी में है। पुलिस का कहना है इनसे और कुछ राज खुल सकते हैं। ये लोगों के साथ और कौन कौन है, फिलहाल पुलिस ने कमर कस ली है। नशे के सौदागरों को, नशे बेचने वालों को मुंब्रा से नशा मुक्त करने की प्रयास शुरू कर दी है, जिसके लिए स्क्वाड तैयार की है, टीम की गठन की है। पिछले 3-4 दिनों में मुंब्रा पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें से 16,06,320 रुपये 200 ग्राम मेफेड्रिन 2 आरोपियों से बरामद किया है। उसमें से एक नाइजेरियन है, उसका नाम है गोडविन इमानुएल इफेंजी, उसकी उम्र है 41 बरस, उसका भी रिसेंट एड्रेस है 301 तीसरा माला सेक्टर 3 नई मुंबई। जैसे हमको ये जानकारी मिली, हमारे अपराध शाखा के जो सब इंस्पेक्टर काले साहब है और उनके टीम में हवलदार बांगर, पुलिस में एक राजपूत सिपाही खैरनार और पुलिस सिपाही जाधव, इन्होंने बड़ी मुस्तगी से उसको नवी मुंबई से उसको ताबे में लिया। नाइजेरियन को जी। अभी पूछताछ चालू है, वो कौन से वीज़ा पे आया था, उसके पास पासपोर्ट है नहीं, तो पूरी तफ्तीश के बाद फिर उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और अगली पीसी ली जाएगी। दूसरा एक था नदीम महबूब खान, उम्र है 40 साल, उसका एड्रेस है गुप्ता पैलेस तीसरा माला रूम नंबर 303 दरगाह रोड अमृत नगर मुंब्रा। नदीम महबूब खान एलियस नदीम 14, उसको नदीम 14 बोलते हैं, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने गिरफ्त में ले लिया। रात का टाइम था, तकरीबन 1-2 किलोमीटर की दौड़ यानी भागकर उसको पकड़ा गया है। उसके पास से तकरीबन 110 ग्राम मेफेडिन उससे बरामद किया है। कोर्ट में पेश हो जाने के बाद 27/11 तक उसकी पेशी यानी पुलिस कस्टडी मिली है, और आगे की जो है कार्रवाई यानी कहाँ से खरीदता है, किससे ये करता है, तो सब इंस्पेक्टर काले उनके पास तपास है और आगे की भी तफ्तीश जारी है। ये टोटल दोनों मिलाकर 210 ग्राम मेफेड्रिन 16,06,320 रुपये का 16,06,320 रुपये का ये माल है। सर नाइजेरियन के पास कितनी क्वांटिटी मिली है और नदीम 14 के पास कितनी मिली है?
तकरीबन सेम ही है। नाइजेरियन के पास 100 ग्राम है और इसके पास से नदीम 14 के पास से 110 ग्राम है। तो दोनों का क्या कनेक्शन आपस में, दोनों आरोपी? नहीं, दोनों ये अलग अलग है, कार्रवाई दो ही अलग अलग है, तो गुने भी दोनों के खिलाफ। नदीम 14 को गिरफ्तार कहाँ से किया गया है? नदीम 14 को अपने मुमरा से गिरफ्तार किया है, अमृतनगर से। हम लोगों ने एक 3 दिन पहले एक NDPS का गुना दाखिल किया था, तो उसमें और दो आरोपी भी हम लोगों ने उनको अरेस्ट किया था। तो उस दो आरोपी के इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को नाइजीरियन जो आरोपी है हम लोगों ने उसको अरेस्ट किया। तो उस नाइजीरियन का जो सप्लाई या जो भी उसका कनेक्शन है कहीं ना कहीं मुमरा से है, ये इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। उसके बाद हम लोग को नदीम 14 की इन्फॉर्मेशन दी, बहुत दिनों से वो अपना आइडेंटिटी छुपा कर यहाँ पे बिजनेस कर रहा था, ये पता चला था। लेकिन जब भी इन्फॉर्मेशन मिली तभी हम लोगों ने उसको 1 किलोमीटर हमने और हमारे टीम ने उसको भाग कर पकड़ा। और उसके भागने का कारण भी ये था कि उसके पास उसके कस्टडी में खुद बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का माल था, पोजीशन में था और वो कमर्शियल क्वांटिटी का माल था। इसका मतलब बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही है। yes. और नाइजीरियन कनेक्शन है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ है। और इसीलिए हम लोगों ने माननीय कोर्ट में माननीय जज साहब को रिक्वेस्ट करके हमने मैक्सिमम कस्टडी उसका लिया है कि हम लोग आगे का जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनका नाइजीरियन कनेक्शन, नाइजीरियन चेन, निग्रो चेन और यहाँ का जो मुमरा का लोकल कनेक्शन है वो ओपन कर सके। और हम लोग सारे वरिष्ठ के हमारे मार्गदर्शन में बहुत अच्छे से हमने कमर कस ली है कि मुमरा में जल्द से जल्द इन नशे को और नशे के अपराधियों को हम लोग पकड़ के ये सब चीज़ें ख़त्म करें।